जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों बीते कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो साल दर साल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसका कारण ये है कि अधिकतर सामान जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। खासकर ग्रोसरी के सामान आप ले लीजिए, लोग जो किराने दुकान पे जाके जो सामान खरीदते थे उससे सस्ता ऑनलाइन ग्रोसरी के सामाने मिल रहे हैं। आपको चावल मंगवाना हो, दाल मंगवाना हो, चीनी मंगवाना हो, इस तरीके के बहुत तो सारा सामान आपके दिमाग में जितने भी वस्तु का सोच आएगा कि ये वस्तु की आपको ज़रूरत है वो सभी वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर अब तो ऐसी हो गई है कि 24 घंटे के अंदर आपके पास आ जा रही है। कोई कोई ग्रोसरी के ऐसे ऐप हैं जो 10 से 15 मिनट में आपको ला के दे दे रहे हैं। तो इस तरीके से लोग जो है वो साल दर साल दिन प्रतिदिन ऑनलाइन शॉपिंग की जो संख्या है, शॉपिंग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। 90% ऐसे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो सभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, 10% ही ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। जैसे हार्डवेयर की कुछ चीज़ें, जैसे ईंट पत्थर, आपको पट्टियाँ मंगाना हो, एलिवेस्टर मंगाना हो, बालू आना हो, छड़ सीमेंट बालू, इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये भी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे कि आपको कौन से कंपनी के सीमेंट चाहिए, कितने कट्टे चाहिए आपके घर पहुंच जाएगा, कौन से कंपनी के लोहा चाहिए आपके घर पहुंच जाएगा। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है, फिलहाल ये तो अभी नहीं है, लेकिन इस पर भी ऑनलाइन वाले काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जितनी भी ज़रूरत की आपकी चीज़ें हैं उसमें से 90% ऐसी वस्तु हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और ऑफलाइन से ऑनलाइन बहुत ऐसे सामान हैं जो बहुत ही सस्ता है। और इस तरीके से देखते हुए ऑनलाइन से जो लोग जुड़ रहे हैं, इन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने में क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जो शॉपिंग करता है तो उसे क्या क्या अधिकार है। डिलीवरी में अगर कोई गड़बड़ी हो जाता है तो उस गड़बड़ी से बचने के लिए वो ग्राहक क्या करे, या कुरियर वाला गलत सामान आपके ला देता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या शिकायत आप करते हैं तो शिकायत के बाद रिफंड कब तक मिलेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहक के क्या अधिकार है। ग्राहक को ऑर्डर कैंसिल करने का अधिकार है, और कैंसिल करने पर कंपनियां किसी भी प्रकार से ग्राहक से एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं ले सकती है। रिटर्न और रिफंड का भी ग्राहक को अधिकार है। उसके अलावा दोस्तों ग्राहक को देखने का अधिकार है कि सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा है कि नहीं लिखा है। इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में ये ग्राहकों का अधिकार है। दोस्तों अगर ग्राहक डिलीवरी में गड़बड़ी से बचने के लिए क्या करे, मान लीजिए कि डिलीवरी में कोई गड़बड़ी है तो उससे बचने के लिए ग्राहक क्या करे। दोस्तों ऑनलाइन सामान की डिलीवरी के समय पैकेट को तुरंत खोलकर देखिए, और खोलते समय डिलीवरी बॉय के सामने फोटो खींच लें, और सामान में अगर किसी भी तरह का गड़बड़ी है या डिफेक्टिव है तो उस सामान को हैंड टू हैंड डिलीवरी बॉय से वापस कर दीजिए। इस तरीके से आप सामान में जो डिलीवरी करते समय जो गड़बड़ी होता है उससे आप बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डिलीवरी बॉय लिया और फिर घर पे गए और फिर फुर्सत हुआ तो आराम से उसको खोल के देखने लगे। अगर वहाँ भी आप खोल रहे हैं तो उसका वीडियो कर लीजिए या फोटो खींचिए, ये आपके लिए सुरक्षित रहेगा, आपके पास एक सबूत के रूप में काम करेगा। वरना आप हैंड टू हैंड वहीं पर खोलिए, डिलीवरी बॉय के सामने खोलिए, उसका फोटो खींचिए, अगर कोई भी डिफेक्टिव लग रहा है, कोई गड़बड़ लग रहा है तो आप हैंड टू हैंड डिलीवरी बॉय को वापस कर दीजिए। इस तरीके से गड़बड़ी सामान में डिलीवरी से ग्राहक जो है बच सकता है। दोस्तों हमेशा ही जो भी पोर्टल का आप यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, जिसका भी आप यूज कर रहे हैं,
उन सभी का ऑफिशियल साइट का इस्तेमाल करें और ऑफिशियल ऐप का प्रयोग करें और हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो पैसे है वो सेफ रहेगी, सेफ सामान आएगी, आप पैसे दे दीजिएगा। अक्सर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कीजिए या ओपन बॉक्स ऑफ डिलीवरी का भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों कुरियर से गलत सामान अगर आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों कंपनी से शिकायत दर्ज करें और कंपनी 48 घंटे के अंदर आपकी शिकायत की प्रक्रियाओं को उसको पूरा करना होगा। 48 घंटे में आपकी शिकायत की प्रक्रिया पूरी होगी, दूसरा बंदा आएगा या वही बंदा फिर दोबारा आके आपके सामान वापस ले जाएगा। शिकायत के बाद रिफंड कब तक मिलतेगी? दोस्तों तो ऐसी रूल है ई कॉमर्स की कि 30 दिन के अंदर ई कॉमर्स कंपनियों को जो भी रिफंड है उससे जुड़ी हुई जो भी प्रतिक्रिया है उन प्रक्रियाओं को पूरी कर लेना है 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर ये कंपनियां इस प्रक्रियाओं को पूरी नहीं करती है, अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो ग्राहक उपभोक्ता फॉर्म जा सकता है और वहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है उस कंपनियों पर। तो इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो भी ग्राहक हैं उन सभी ग्राहकों का ये अधिकार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।